दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी सेट करते हैं और वो स्टोरी आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी चाहिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर कैसे लगाएंगे इंस्टाग्राम स्टोरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जनरली आपने देखा होगा, जब हम इंस्टाग्राम से स्टोरी डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ म्यूजिक नहीं आता, विदाउट म्यूजिक हमारी स्टोरी डाउनलोड होती है। मैं अपनी स्टोरी डाउनलोड करूँ या किसी और की स्टोरी डाउनलोड करूँ, उसके साथ म्यूजिक कभी नहीं आता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको म्यूजिक के साथ स्टोरी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। दोस्तों, म्यूजिक के साथ स्टोरी डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, 5 सेकंड का काम है। आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं आपको स्टोरी डाउनलोड करना सिखाऊंगा विद म्यूजिक। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है। अगर भाई वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और भाई एक बात ये भी है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। भाई टाइम वेस्ट में करते हुए मैं चलता हूँ फटाफट अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइज, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आप फटाफट अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेंगे। मैंने ये अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। और गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मेरे इंस्टाग्राम पर कोई भी स्टोरी सेट नहीं है, तो सबसे पहले मुझे स्टोरी सेट करनी होगी। स्टोरी सेट करने का आपको तो पता ही है, सबसे पहले क्लिक करते हैं आप योर स्टोरी पे। मैंने योर स्टोरी पे क्लिक किया, आप नीचे देख रहे हैं गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी पे यहां क्लिक करके और यहां से आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से देख लेता हूं जो फोटो मुझे अच्छा होगा, मैं उस फोटो को स्टोरी पे सेट करता हूं। जैसे इस फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये जो डेट आ रही है उसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूं, ये डेट मुझे नहीं चाहिए, डेट को हटा दिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें एक सॉन्ग ऐड करना है। तो म्यूजिक कैसे ऐड करेंगे, आप इस पर क्लिक करने के बाद यहां से म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और यहां से बहुत सारे म्यूजिक आ जाते हैं। तो जो म्यूजिक आपको अच्छा लगे वो म्यूजिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले म्यूजिक सुन के देख लेता हूं कौन सा म्यूजिक अच्छा लग रहा है। ये पहला वाले म्यूजिक मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस पहले वाले म्यूजिक को मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं डन कर देता हूँ। मैंने डन पे क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से ऊपर लाके या मैं कहीं साइड पे इसको जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ पर इसको मैं सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ सेट कर दिया और यहाँ से सेंड टू, और करने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ योर स्टोरी, मेरी स्टोरी पे सेट हो जाएगा। मैं डन कर दिया, ये मेरी स्टोरी यहाँ से सेट हो चुकी है। अब स्टोरी सेट करने के बाद इसको हम करेंगे कैसे डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली आपको जाना कहाँ है, गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आप पहुंचे और यहाँ गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है स्टोरी सेवर। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्टोरी सेवर, ठीक है। स्टोरी सेवर आपने ऊपर डाउनलोड सॉरी टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद सबसे पहला लिंक आता है स्टोरी सेवर .net पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस कुछ आपके सामने आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, अब ये इस तरह का इंटरफेस जब आपके सामने आएगा तो ऊपर आप देख रहे हैं जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, ठीक है, या फिर आपको जिसका भी स्टोरी डाउनलोड करना है उसका यूज़र नेम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो जैसे कि मुझे अपनी स्टोरी डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, मेरा यूज़र नेम था इट्स अली आजम, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ डाउनलोड, ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खुल गई है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा यूज़र नेम है ऊपर इट्स अली आजम, और एक स्टोरी मैंने सेट की हुई है ये यहाँ पर दिख रहा है, और ये भी बता रहा है कितने टाइम पहले ये स्टोरी सेव की है, ठीक है। तो आप ऊपर किसी का भी यूज़र नेम टाइप करके आप यहाँ से स्टोरी डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये स्टोरी आप देख रहे हैं, तो इस स्टोरी पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। ये प्ले हो रही है, और आपको ये डाउनलोड कैसे करनी है, डाउनलोड करने के लिए आप सेव एज वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ क्लिक कर दी, अब इसको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है। ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ से डाउनलोड हो भी चुकी है, ठीक है। आपकी नेट की स्पीड पर यह डिपेंड करता है, जैसी स्पीड होगी उसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। दोस्त, इस तरह से डाउनलोड करने के बाद आपको मैं आपको इसे गैलरी में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से गैलरी पर क्लिक करता हूँ, दोस्तों ये मेरी गैलरी में आ चुकी है। मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊँ, ये देख रहे हैं ये प्ले हो रहा है मेरी गैलरी में। मैंने इसको यहाँ से बैक किया। दोस्तों, इस तरह से आप किसी की भी स्टोरी डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी स्टोरी या किसी फ्रेंड की या किसी की भी स्टोरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी डाउनलोड होगी ये विद म्यूजिक आपकी स्टोरी डाउनलोड होगी। जो भाई बोलते हैं हम स्टोरी तो डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उसके साथ म्यूजिक नहीं आता, तो भाई ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आपको पता लग गया होगा कि स्टोरी कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके साथ म्यूजिक कैसे आता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।